हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी अच्छी वीडियो देखना है ना आपको? हाँ, देखना है तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। बहुत बहुत प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर हैं जो बोलती है, दी आपकी नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल रही है, दी आपका वीडियो हम नहीं देख पा रहे, तो आप बेल आइकन को क्लिक करिए तभी आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रिसमस पार्टी मेकअप लुक क्रिएट किया, और हाँ, आपको हेयर स्टाइल कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं गुड वाइब्स का मिस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बजट में 120 में आपको आराम से मिल जाता है। आपको तो पता ही है कि दी बजट में सारी चीज़ें यूज करती हैं, क्योंकि हम महंगी चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो सारी चीज़ें बजट में ही। महंगा वाला भी मेकअप लुक रहेगा, अलग से रहेगा, बट बजट वाला अभी है। तो यहाँ पर हम ले एनवाईवे का गोल्डन कंसीलर, जो मेरा शेड है 3। तो यहाँ पे मैं इशारे से बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। बाद में जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो मुझे प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, इसी वजह से मैं इशारे से कर देती हूँ, तो बाद में मुझे भी दिख जाता है। तो इस कंसीलर को हम अपने आई पर अप्लाई कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बजट में 62 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाता है। और इसको आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रश से, अगर आपके पास वो भी दोनों नहीं है, तो आप हाथ की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से अच्छे से धीरे धीरे से करके ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इस तरीके से भी आपको करके दिखा दूंगी किसी वीडियो में। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से ही ब्लेंड करना है ताकि जो आपका आई मेकअप हो वो बहुत ही अच्छे से उभर कर आए और काफ़ी ज़्यादा प्रीटी वाला लगे। और बाबू को देख रहे हैं, सोच रहे इधर से सामान निकालूं या उधर से निकालूं, वो अपना जुगाड़ अलग बनाई रहती है। तो अब हम अपने कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ पर ले रहे हैं लैक्मे का फेस पाउडर, जो कॉम्पैक्ट, जो काफ़ी ज़्यादा बजट में है। वो तो आपके पास हो गई ना? हाँ, बहुत से लोगों के पास होता है, मेरी फ्रेंड है उनके पास भी ये अधिकतर मिल जाएगा सभी के पास। अगर वो भी नहीं है तो बेबी पाउडर भी ले सकते हैं, या पॉन्स पाउडर, कुछ भी। फिर मैं यहाँ पे ले रही मोर्फी का हिल पैलेट। मैंने यहाँ से ट्रांजिशन सेट पिक किया। अगर आपके पास मोर्फी नहीं है, आई पैलेट होगा ना, उसमें से कोई भी ट्रांजिशन सेट पिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने पिक किया आप वही पिक कीजिए, तो लुक आपका सेम आएगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा बट लुक सेम आएगा। तो ट्रांजिशन सेट मैंने पिक किया, आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, आईलेट पे नहीं, ऊपर के साइड में हल्के हल्के से ब्लेंड करना है, ये देखिए इस तरीके से। फिर मैं यहाँ से ब्राउन सेट पिक कर रही हूँ, थोड़ा मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। आप लोग बोलते दी आपका थोड़ा सा आई मेकअप ब्लेंड नहीं रहता, तो मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। डियर अच्छे से ब्लेंड करती है, बट लाइट का फोकस पड़ता है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम है मेरे यहाँ, और इनको टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि ये मेरे लिए लाइट की व्यवस्था कर सके। तो चलिए ठीक है, जैसा भी है कर लेते हैं। अच्छे से ब्लेंड करना है, धीरे धीरे से ब्लेंड करना है, और आपको जब तक ब्लेंड करना है, आपको जब तक आपका डिज़ायर कलर ना मिल जाए। तो मैं यहाँ पे जब तक ब्लेंड करती हूँ, जब तक मुझे जो कलर चाहिए रहता है वो नहीं मिल जाता है जब ही तक। तो इस तरीके से आपको ये देखिए ब्लेंड कर लेना है। फिर मैं यहाँ से ग्लिटर वाला सेट पिक कर रही हूँ, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले मैं उस पर वो डाला है यार, मैंने करती रहती हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे, और इसको अच्छे से ये देखिए लगा रही हूँ। तो यहाँ पे लाइट जा चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा डल दिख रहा ना आपको, तो लाइट जा चुकी है और मैं थोड़ी सी लाइट में ये वीडियो बना रही हूँ, तो लाइट आती जाती रहती थी, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको फ्लैट ब्रश से अप्लाई कर लेना। कितना अच्छा आई मेकअप हुआ यार, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी वाला, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये आईलेट पर आपको लगाना है, और बहुत ही अच्छा साइन कर रहा था, बट वीडियो में उतना अच्छा सा क्लियर नहीं आता है। ये देखिए कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा आई मेकअप है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही खूबसूरत आपका आई मेकअप दिखने वाला है। तो चलिए, हमारा आई मेकअप हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ जेल लाइनर, जो बाबू अपने जुगाड़ में थी लगाने के, इधर से उधर ब्रश, वो मैं देखती नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने में ध्यान दिए रहती हूँ, तो पता ही नहीं चलता उसने क्या ले लिया क्या लगाया। तो वैसे तो सारी चीज़ें मैं संभाल कर रखती हूँ, लेकिन ब्रश वो सामने रखा रहता है ना, इसी वजह से ब्रश ले लेती है। तो अब हम यहाँ पर जेल लाइनर लगा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको जेल लाइनर अप्लाई कर लेना, बहुत ही अच्छा है, बजट में है ये भी, आपको 120 या 130 में आराम से अमेज़ोन वगैरह पे मिल जाएगा। लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा सभी की, वैसे तो मैं भूल जाती हूँ बट दे दूंगी। तो यहाँ पे मेरा लाइनर लग चुका है दोनों ही आई में,
तो अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं गुडवर्ब्स की कोकोनट क्रीम, डेली यूज़ के लिए है, मैं इसे डेली लगाती हूँ। तो इसको मैं एज अ मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, ये भी बजट में आपको 150 में मिल जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर टाइप की क्रीम होगी आप वो ले लीजिएगा। फ्रूट क्रीम आती है 10-20 रुपीज़ की, आप वो ले लीजिएगा, उसे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर मैं फिर वही ब्राउन वाला और ग्लिटर वाला शेड पिक करूँगी अपने आई के नीचे लगाने के लिए, जहाँ पर हम काजल लगाते हैं। दोनों को ही अच्छे से एक बार ब्राउन वाला, फिर उसके बाद ग्लिटर वाला, दोनों को अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए दोनों ही आई में हल्के हल्के से ब्लेंड करना है, अच्छे से ही ब्लेंड करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, और आप थोड़ा थोड़ा लीजिएगा वरना आपकी आंखों में जाने का डर रहेगा। इकट्ठे लेंगे ना तो आपकी आंखों में जा सकता है, तो थोड़ा थोड़ा सा लेके ब्लेंड करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ लैक्मे का काजल, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बजट में है, 60 या 70 में आपको आराम से मिल जाता है, ऑफ़र में देख लीजिएगा। ऑनलाइन शॉपिंग करने का ये फ़ायदा होता है डियर कि बहुत ही कम बजट में मिल जाता है, ऑफ़र में मिल जाता है। इस वजह से पहले मैं भी नहीं लेती थी, लेकिन ऑनलाइन में मुझे ज़्यादा फ़ायदा लगता है। मार्केट में हम जाते हैं तो मार्केट में सभी फिक्स प्राइस की चीज़ें मिलती हैं आपको, ख़ास तौर से मेकअप की, बट ऑनलाइन में बजट में मिल जाती है, ऑफ़र चलता रहता है ना, इस वजह से। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं लैक्मे का ग्रीन लाइनर, इसे मैं इसी के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही अच्छा है, क्रिसमस पार्टी मेकअप लुक है यार, तो रेड और ग्रीन तो बनते ही बनता है ना। तो यहाँ पे मैंने सोच रखा है कि ग्रीन कलर का मैं लाइनर लगाऊंगी काजल, और जो थोड़ा सा अलग सा लुक देगा, और रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। तो आप जरूर क्या यार, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना। अगर आपके पास लाइनर नहीं है तो आप ग्रीन आई शेडो ले सकते हैं, उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा वही वाला मैं ब्रश लूँगी, पेंसिल ब्रश, उससे थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। अगर आपके पास आई शेडो है तो आप ग्रीन आई शेडो ले सकते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ। तो इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, ये देखिए हल्के हल्के से, अगर आप ब्लेंड करना चाहते हो तो इस तरीके से आप ब्लेंड कर लेना। और ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, और ये मुझे शायद 120 या 130 में मिला था, बजट में ये भी है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। और अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं सीरम, जो है VLC का सीरम, वाइटनिंग सीरम, थोड़ा सा महंगा है। मॉइस्चराइज़र लगा के, यानी कि मैंने गुडवर्ब्स की कोकोनट क्रीम लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया था, ताकि हमारे स्किन में अच्छे से मिल जाए। थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए आपको, कुछ भी लगाओ, 2-2 मिनट का गैप देना चाहिए, प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, सीरम, कुछ भी लगाओ तो 2-2 मिनट का गैप, 1-1 मिनट का दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं सीरम लगा रही हूँ, जो बहुत ही अच्छा सीरम है, आप देख सकते हो। ये आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, 400 में या 500 में मिलेगा, तो कोई नहीं, आप फेशियल ऑयल ले सकते हैं गुडवाइब्स का, वो भी अच्छा है अगर आपके बजट में नहीं है तो, अगर है तो आप ले सकते हो। इसके बाद मैं आज ले रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर, जो सिलिकॉन बेस में अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, बाबू परेशान कर रही है ना, उसी को डांट रही थी, मतलब जो मैं लगा रही थी उसे चाहिए तो थोड़ा सा मैं दे देती थी, बट देना क्या है, लगाती थी और दूसरे हाथ से देती थी जिसमें नहीं रहता था, ताकि उसको लगे कि मैंने दिया है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना पूरे फेस पर, ये देखिए। और यहाँ पे मैं मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन लगा रही हूँ, इसे आप लगाओगे ना तो इसके फ़ैन हो जाओगे। ये इतने अच्छे से आपकी स्किन में मिल जाता है ना, आप को पता ही नहीं चलेगा कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है। तो इस टाइम ये मेरा फेवरेट है, इसके बाद हो सकता है मुझे कुछ और अच्छा लग जाए तो वो मेरा फेवरेट हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि बस यही रहे। तो वक्त के साथ सभी सारी चीज़ें बदलती है ना, तो बस वही है। तो इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे, आप चाहो तो ब्रश से ब्लेंड करो, तो बट मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरीके से आपको धीरे धीरे से ब्लेंड कर लेना, ये देख रहे हैं आप, यार बता नहीं सकते कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, और कितना अच्छा इसका कवरेज है, आप देख लो, मतलब ये पता ही नहीं चलेगा। ना ही इससे आपकी स्किन में केकीपन आता है, जो ड्राई स्किन वाले होते हैं ना उनके लिए बेस्ट है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे खास तौर से इस टाइम पसंद आ रहा है। एलेगल भी बहुत अच्छा है, बट वो थोड़ा सा महंगा है, तो हमारे बजट के बाहर है, इस वजह से आप ये ट्राई करिए, आपके बजट में आ जाएगा और बेस्ट भी है। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना धीरे धीरे से। ये इकट्ठे नहीं ब्लेंड करना है कि इकट्ठे मतलब रगड़ दे तो वो ख़राब हो जाएगा, मैश हो जाएगा। तो इस आपको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा धीरे धीरे से थोड़ा सा टाइम देके ब्लेंड करना है, आराम से ब्लेंड करिए। कहीं जाना है तो उसके 1 घंटे पहले रेडी होने स्टार्ट करिए, ठीक है। और बाबू ले गई हेयर बैंड, बहुत परेशान कर रही थी। तो ये देखिए अच्छे से आपको नेक वगैरह पर गले वगैरह पर ब्लेंड कर लेना है। और मैं उसको बोल रही थी, बाद में बोल रही थी लो मम्मा ले लो, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगाना तुम लिए रहो। और यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट,
इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, ख़ास तौर से आँखों के नीचे जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा केकीपन ज़्यादा आ जाता है, इस वजह से आप थोड़ा सा वहाँ कॉम्पैक्ट अच्छे से लगा लीजिए। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लगा लेती हूँ, बाकी मैं राउंड राउंड करके घुमा दूँगी, क्योंकि ठंड है तो ज़्यादा मैं फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर नहीं लगाती हूँ, हल्का फुल्का लगाती हूँ, नेक पे थोड़ा सा लगा लेती हूँ बट फेस पे थोड़ा सा कम। तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है पूरे फेस पे, नेक पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रही ब्राउन वाला सेड मोर्फी का हील पैलेट से, उसमें से मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी, जो इस टाइम आपको पता ही है कि मुझे पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छे से ये सेट होता है ना इसी वजह से, तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से आपको ये देखिए लगा लेना, अप्लाई कर लेना, यानी कि हल्के हल्के से इकट्ठे लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा लेके लगाइए, बहुत ही अच्छे से लग जाता है। और इसके बाद फिर मैं ये वाला सेट पिक कर रही हूँ, इसी से मैं आज ब्राउनजर करूँगी, क्योंकि मैंने कॉन्टोर नहीं किया था तो इसी से मैं कर लेती हूँ। अगर आपके पास आई पैलेट है और ये वाला कलर है तो आप कर सकते हैं। तो पहले मैं एक पेंसिल ब्रश से, ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी, ये देखिए। और इसके बाद फिर मैं लूँगी गोल्डन वाला सेड जो मैंने अपनी आई के लिए अप्लाई किया था ना, उसी को मैं अपने नोज़ पे कंसीलर के लिए अप्लाई कर लूँगी, ये देखिए। और मैं चिक पे लगा रही हूँ और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं गोल्डन वाला सेट पिक की हूँ, अपने नोज़ पे कंसीलिंग कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम सभी को ब्लेंड कर लेंगे। पहले मैं अपने कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, आप चाहो तो ब्रश भी ले सकते हो। इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं अपने जो मैं जहाँ जहाँ मैंने ब्राउनजर लगाया वहाँ वहाँ पर मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ये देखिए। अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, दोनों ही साइड में ब्लेंड करना है, तो बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो इस तरीके से अगर आपके पास ब्राउनजर वगैरह नहीं है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सीज ब्यूटी का हाइलाइटर, यहाँ पे मैंने पिंक वाला सेट पिक किया है ब्लशर के लिए, थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई मेकअप चाहिए ना यार, पार्टी है क्रिसमस की तो जाहिर सी बात है फेस हमारा ग्लोई ग्लोई दिखना चाहिए ना इसी वजह से। तो इसको मैं अच्छे से अपने चिक पर लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा ग्लो भी आए और पिंक पिंक भी दिखे, तो थोड़ा सा डार्क रखूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है, ये देखिए। और इसके बाद मैं ले रही हूँ मेकअप बेस हाइलाइटर, तो इसको मैं आज लगा रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए, ये देखिए। नोज़ पे लगा लूँगी, चिक पे लगा लूँगी, जो नोज़ पे लगाने के बाद चिक पे मैं इस तरीके से लगाऊँगी, ये दोनों ही साइड में, और जहाँ जहाँ मैं हाइलाइटिंग करती हूँ सेम वहीं वहीं पर। और एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से इस तरीके से पुश कर लूँगी, रगड़ना नहीं है आपको, बस वहीं पर अच्छे से पुश करना है आपको, ये देखिए जहाँ जहाँ पर आपने लगाया है। गला खराब हो जाता है यार, दोनों ही साइड में अच्छे से कर लेना है, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। और फिर मैं लगाऊंगी हाइलाइटर इसी के ऊपर, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि हाइलाइटर तो आपने लगा रखा है, बट मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ थोड़ा सा और ग्लोई ग्लोई सा लगे, थोड़ा सा डिफरेंट लगे इसी वजह से। और ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है ना, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो जहाँ जहाँ पे आपने हाइलाइटिंग की थी सेम वहाँ वहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं आईब्रो के नीचे लगा रही हूँ, हाइलाइटिंग कर रही हूँ, आप इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा, आपका आई मेकअप जो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी वाला लगने लगता है। और इसके बाद मैं ले रही मेकअप सेटिंग स्प्रे जो मेरा ख़राब हो चुका है, तो एक ब्यूटी ब्लेंडर में लूँगी और अच्छे से पूरे अपनी स्किन में उसी की हेल्प से लगा लूँगी, ये देखिए। अच्छे से आपको पूरे स्किन में लगा लेना है ताकि आपका मेकअप देर तक टिका रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे इसी वजह से, ठीक है। तो चलिए हमारा मेकअप हो चुका है और हम लगा रहे हैं अब हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक जो मैंने कॉम्बो में ली थी क्लब फैक्ट्री से, बहुत ही बजट में मिल गई थी, 500 में मुझे काफ़ी सेट मिल गया था, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी, हमेशा बोलती हूँ बट भूल जाती हूँ। तो चलिए फटाफट से लिपस्टिक लगा लेते हैं। तो हमारी लिपस्टिक लग चुकी है जो रेड कलर की है, ग्रीन कलर का मैंने काजल लगाया है जो क्रिसमस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देने वाला है, इसी वजह से इस तरीके से मैंने किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। और ड्रेस मैंने कुछ इस तरह की ड्रेस पहनी हुई है, तो लिपस्टिक को आपको अच्छे से सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारी लिपस्टिक लग चुकी है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कोई नया मेकअप लुक देखना है तो कमेंट करके वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो
चलिए अब मैं थोड़ा सा रेडी सेडी होके आती हूँ, हेयर वगैरह अच्छे से करके, इयररिंग्स वगैरह पहन के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, आज की मेरी हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ बताइएगा। कोई नया मेकअप लुक देखना है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। टिकटॉक पर इंस्टा पर फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। अभी न्यू ईयर मेकअप लुक भी क्रिएट करना है तो वो भी जल्दी आएगा आप लोगों के लिए, तो ये लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके बाय बाय।